एक्वाडोर। एक्वाडोर दुनिया का पहला ऐसा कंट्री बन गया है जहां हर एक इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल को लीगल राइट्स इंश्योर किए गए हैं। रिसेंटली साउथ अमेरिका के इस कंट्री में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला लिया गया। पर ऐसा कौन सा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से एक्वाडोर को इस तरह का डिसीजन लेना जरूरी लगा? चलिए समझते हैं। ये स्टोरी आज से कई साल पहले ही बनना स्टार्ट हो गई थी, जब एक्वाडोर में रहने वाली एना बीट्रिस बर्बेनो प्रोआना नाम के लाइब्रेरियन ने एक वूली मंकी को एज अ पेट पाला। ये वूली मंकी उस समय सिर्फ 1 मंथ का था और उसका नाम एस्टेलिटा रखा गया। और फिर 18 इयर्स तक इस वूली मंकी को एना ने अपने पास एज अ पेट रखा। पर एक्वाडोर में वाइल्ड एनिमल्स को नेचुरल हैबिटेट से दूर एज अ पेट रखना इलीगल है। एक्चुअली एक्वाडोर का पोजीशन इक्वेटर के ऊपर ही है, जिसकी वजह से यहाँ के क्लाइमेट को ह्यूमिड ट्रॉपिकल कहा जा सकता है। और इस तरह का क्लाइमेट सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और दूसरे क्रीचर्स के थ्राइव करने के लिए आइडियल माना जाता है। इनफैक्ट माना जाता है कि एक्वाडोर अर्थ के 8% एनिमल्स और 18% बर्ड्स का हैबिटेट है, जिसके साथ ही 100 ऑफ क्रीचर्स जैसे कि रेप्टाइल्स, एम्फीबियन फिशेस और मैमल्स सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि एक्वाडोर में वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही पाए जाते हैं। तो जब एक्वाडोर की अथॉरिटीज को पता चला कि एना ने एक वाइल्ड एनिमल को अपना पेट बना के रखा है, तो वो इस वूली मंकी को सीज करने के लिए आ गए और 2019 में वो इस वूली मंकी को लेके चले गए। पर एक्वाडोर की अथॉरिटीज ने इस वूली मंकी को जंगल में रिलीज नहीं किया, बल्कि उसको एक जू में ही रिलोकेट कर दिया। पर रिलोकेट होने के 1 महीने के अंदर ही एस्टेलिटा की डेथ हो गई। और जब ये बात एना को पता चली तो उनका कहना था कि एस्टेलिटा को अचानक अनजान हैबिटेट में ट्रांसफर करने की वजह से वो मंकी डिस्ट्रेस्ड हो गई और इसीलिए उसको हार्ट अटैक सफर करना पड़ा, जो उसकी डेथ का कारण बन गया। तो एना ने अथॉरिटीज पे हैबीज कॉर्पस पिटीशन फाइल किया, जिसका सिंपल मतलब है ये लीगली जानना कि किसी की डिटेंशन वैलिड है या नहीं। और साथ ही ये भी चैलेंज किया कि अथॉरिटीज ने मंकीज के राइट को वायलेट किया। कोर्ट्स के प्रोसीडिंग्स के बाद जजेस ने रूल किया कि मंकी के राइट्स को अथॉरिटीज ने वायलेट तो किया है, पर साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि मंकीज के राइट को एना ने भी वायलेट किया था, जब उन्होंने वूली मंकी को बचपन में अपनी नेचुरल हैबिटेट से लेके अपना पेट बनाया था। और इन सारी बातों को कंसिडर करते हुए एक्वाडोर के टॉप कोर्ट ने जनवरी में अपने 57 पेज ओपिनियन में रूल किया कि एक्वाडोर का राइट ऑफ नेचर हर एक एनिमल पे अप्लाई होगा और यहाँ का हर एक डिस्टिंक्ट वाइल्ड एनिमल लीगल राइट्स पोजेस करेगा, जिसमें उनको अपने इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करने, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहने और किसी भी तरह के क्रुएलिटी, फियर, डिस्ट्रेस से लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर इस बात को और ज्यादा अच्छे से समझा जाए तो अब एक्वाडोर में वाइल्ड एनिमल्स को किसी भी तरह और किसी भी पर्पस के लिए हंट करना, फिशिंग करना, कैप्चर करना, पेट बनाना, खरीदना और बेचना या एक्सचेंज करना लॉ के अगेंस्ट होगा और ऐसा करने वालों पे लीगल एक्शन लिया जाएगा। इस डिसीजन को दुनिया के हर कोने में एनवायरमेंटलिस्ट और इकोलॉजिस्ट ने वेलकम किया है और वो चाहते हैं कि बाकी कंट्रीज में भी इस तरह के फर्म और डेडिकेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए, जिससे एनिमल्स को ह्यूमंस अपने फायदे के लिए यूज ना करें, बल्कि एनिमल्स को भी इंडिविजुअल एंटिटी और राइट टू लिव मिले। तो अगर आपको लगता है कि एक्वाडोर ने ऐसा करके वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है, तो इस मूव के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को इस स्टेप के बारे में पता चलेगा, उतने ज्यादा लोग इस मूवमेंट में साथ आ पाएंगे। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं, तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।